पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में पूर्वांचल हिंदी मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदर्श राय की अध्यक्षता में साहित्य सभा का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर बेतियाहाता स्थित नवालयन एकेडमी के केंद्रीय कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष चितरंजन मिश्र ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में नवालयन एकेडमी के चेयरमैन एवं सत्यनारायण त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि सत्यनारायण त्रिपाठी 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से ग्रेजुएशन शिक्षा प्राप्त की थी, पूरे विश्वविद्यालय में टॉप करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद 1952 में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से अपना शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर आमोद कुमार राय, डॉक्टर शाकिर अली खान, डॉक्टर प्रेमचंद शुक्ला, डॉक्टर अजय अंजान, किरण त्रिपाठी, प्रांजल त्रिपाठी, प्रखर त्रिपाठी, के एन गुप्ता, अरुण पांडे, अजय पांडे सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवालयन एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी नवल्स एकेडमी का संस्थापक हूं और संयोग से मैं प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी का सुपुत्र भी हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी जी की पांचवी पुण्यतिथि पर एक साहित्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री चितरंजन मिश्र जी और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अनंत मिश्र जी उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में संपन्न हो रहा है, जिसके आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर आर डी राय, जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं, उनके सहित मैं इसके मंत्री के तौर पर कार्य कर रहा हूं। प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की थी और पूरे विश्वविद्यालय को टॉप करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद 1952 में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपना शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया और 1957 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1958 में हिंदी विभाग के प्रारंभ होने पर उसमें वो शामिल हुए और तब से लेकर के 1988 तक वो विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। लगभग 36 की संख्या में उनकी पुस्तकें हैं जो आज भी हिंदी साहित्य के तमाम सारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का काम करती हैं। उनकी एक बड़ी पुस्तक, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, स्नातक स्तर के विद्यार्थी के लिए भाषा विज्ञान को समझने और पढ़ने का आदि ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात जो आज के इस युग में सभी लोगों के ग्रहण करने की है वो ये कि आचार्य त्रिपाठी अध्ययन अध्यापन को अपना एक शगल मानते थे, पढ़ना लिखना उनकी रुचि थी और अपने विद्यार्थियों को भी इसके लिए प्रेरित करना ये उनका परम कर्तव्य होता था, ऐसा वो मानते थे। और यही कारण है कि एक बहुत व्यवस्थित और मर्यादित ढंग का शिक्षक जीवन उन्होंने व्यतीत किया और आज 87-88 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी अगर 35 साल बाद उनकी स्मृति में उनके शिष्यों के द्वारा ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं तो निस्संदेह यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि त्रिपाठी सरीखे लोग, लोगों ने जो शिक्षा के लिए योगदान दिया है, जो शिक्षार्थियों के लिए योगदान दिया है, वो बहुत ही स्मरणीय रहा होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी जी, जो संयोग से मेरे पिता भी रहे हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें? गीतों की, गज़लों की, आलोचना की, तमाम सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। शिखरों का सागर उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गज़ल संग्रह था, जिसको बहुत ख्यातिनाम गज़लगो शायर
कुंवर बेचैन के द्वारा लोकार्पित किया गया था। बात समय समय की बात शीर्षक से एक उनकी दोहों की पुस्तक आई थी। ऐसे लंबी श्रृंखला है, सारी पुस्तकों का नामोल्लेख कर पाना संभव नहीं होगा।